हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो आज है दिवाली, मेरे तरफ से मेरे सारे दोस्तों को हैप्पी हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो देखिए मैंने लगाई मेहंदी, दिवाली है, फेस्टिवल है तो तैयार तो होना ही है, इसलिए देखिए मैंने अपने दोनों हाथों से मेहंदी भर भर के लगाई है। तो चलिए अब तैयार हो जाती हूँ। दिवाली स्पेशल में देखिए मेरे दरवाजे के सामने दिया जा रहा है रंगोली, वो भी फूल से, वो भी मेरी बेटी दे रही है, क्योंकि मैं तो बाकी सारा काम कर रही हूँ घर का, और यहाँ पे देखिए लेकिन मैं मेरी बेटी का वीडियो बना रही, क्योंकि मैं देने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे इतना अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी बहुत सुंदर से फूलों से रंगोली बना रही है। और रंगोली देना बहुत ही शुभ मानी जाती है, दरवाजे के सामने हर रोज़ अगर रंगोली दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और दिवाली है तो दिवाली स्पेशल में हम दे रहे हैं यहाँ पे फूलों से रंगोली, देखिए बहुत सुंदर से दे रही है ना मेरी बेटी। वीडियो थोड़ा देरी से पोस्ट करने के लिए आप सबसे और वाईटी से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। वाईटी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं टाइम पे वीडियो ही नहीं दे पाई। एक्चुअली दिवाली में इतना एंजॉय किया, उसके बाद तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा देरी से पोस्ट कर रही हूँ। आगे से कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट करूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्तों और मेरे वाईटी मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे और मेरे साथ रहेंगे ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। बेटियां तो होती है घर की लक्ष्मी, तो देखिए मेरी बड़ी बेटी ने इतना सुंदर से फूलों से रंगोली दिया, तो छोटी क्यों पीछे रह जाए, तो छोटी ने भी बोली कि मुझे भी रंगोली देना है। तो देखिए मेरी क्यूटी पाई यहाँ पे फूलों से रंगोली सजा रही है, चलिए देखते हैं कि वो कैसा रंगोली बनाती है। दिवाली तो होती है धमाकेदार, इसीलिए देखिए दिवाली के लिए सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए कितने पटाखे लाए हैं मेरा हस्बैंड, दिवाली में सब लोग हम लोग फुलझड़ियाँ जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, और दिवाली तो होती ही धमाकेदार सबकी है ना दोस्तों। लेकिन एक बात दोस्तों, जब भी फटाके फोड़े तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और बच्चों के हाथ में ज़्यादा फटाखा नहीं देना चाहिए। तो दिवाली की तैयारी करते करते देखिए इवनिंग हो चुकी है, और चलिए हमने लगा दिया है यहाँ पे बहुत सारे दिए और कैंडल, क्योंकि दिवाली में घर और आंगन हमेशा जगमगनी चाहिए है ना दोस्तों। तो देखिए लाइटों से, दियों से दिवाली अगर जगमग ना हो तो दिवाली कैसी है। तो देखिए मैंने अपने घर के बाहर को ऐसे डेकोरेट किया है फूलों से, दियों से और कैंडलों से। तो दोस्तों मेरी ये दिवाली का डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी बेटी ने जो फूलों से इतना सुंदर सा रंगोली दिया है ना, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दिवाली के लिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, तो मैं कैसे लग रही हूँ दोस्तों, मेरा दिवाली का डेकोरेशन कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाथों में दिया लेके कुछ रील्स बना रही थी। तो घर पे दिवाली की पूजा करने के बाद हम आ गए हैं मंडप में, जहाँ पे चल रही है काली माता की पूजा। और जैसे दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजन किया जाता है, ठीक वैसे ही हमारे बंगाल में दिवाली के दिन काली माता की पूजा होती है अमावस में। तो काली माता की पूजा तो रात को शुरू होगी, इसीलिए देखिए तब तक यहाँ पे साइड में चल रहे ऑर्केस्ट्रा, तो लोग बैठे बैठे सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा। और उसके बाद देखिए 12 बजे के बाद शुरू होगा काली माता की पूजा। तो हमारे बंगाल में तो 5-6 दिन 7-8 दिन तक काली माता की पूजा चलती रहती है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हम रहते हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे भी हम लोग
मिलके सब पूजा करते हैं, लेकिन 2-3 दिन तक ही करते हैं। तो जब तक पूजा होती है तब तक प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा, प्रसाद वगैरह सब कुछ 3 दिन तक बहुत कुछ होता है। तो अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते हो तो आपको पता ही चल गया होगा, और अगर आप मेरे नए दोस्त हो तो मेरे वीडियो में आप जरूर देख पाओगे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग दिवाली कैसे मनाते हैं, काली माता की पूजा कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे चल रही है काली माता की पूजा। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। तो देखिए हम है यहाँ पे मना रहे दिवाली, यहाँ पे चल रहे हैं हमारे दिवाली काली माता की पूजा, और हम यहाँ पे रुके हैं पटाखे फोड़ने के लिए। तो दिवाली धमाकेदार नहीं होता कैसे चले गए, है ना। मम्मी হ্যাপি দিওয়ালি। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जल रहा है मिट्टी के 108 दिया। दीपावली के दिन दिया जलाना बहुत ही शुभ होता है, और हमारी बंगाली रीति रिवाज में है कि काली माता की पूजा के दिन माता के सामने 108 मिट्टी का दिया जलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है काली माता की पूजा, और सामने हम सब औरतों ने मिल के यहाँ पे लगाया है 108 दिया। Thank you.
काली माता की पूजा के लिए मैंने किए थे उपवास, तो दिन भर कुछ नहीं खाई। पूजा होते होते तो सुबह हो जाती है, तो देखिए पूजा संपन्न होने के बाद रात को 2:30 बजे मैं कर रही हूँ डिनर। और देखिए डिनर में बना है दाल, राइस, एक मिक्स सब्जी और चटनी, तो बहुत ही टेस्टी डिनर है। तो ये है दिवाली के दूसरे दिन के वीडियो। नेक्स्ट डे देखिए दोपहर को आ गई हूँ मैं यहाँ पे लंच के लिए, और लंच में प्रसाद में आज बहुत कुछ बना है, खिचड़ी है, पकौड़ा है। तो चलिए जब मैं लंच करूँगी दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है। पूजा के दूसरे दिन दोपहर को यहाँ पे मैंने प्रसाद लंच में बहुत कुछ बनाया है, खिचड़ी पकौड़ा। प्रसाद में है देखिए खिचड़ी और एक मिक्स भाजी, पकोड़ा, चटनी, गुलाब जामुन, खीर और पापड़, तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी प्रसाद है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। इवनिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे शुरू हो गए ऑर्केस्ट्रा, और ये ऑर्केस्ट्रा वेस्ट बंगाल से आया है। और देखिए जो सिंगर है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग इनको पहचानते होंगे, क्यों नहीं पहचानते होंगे, ये है सिंगर अमित चक्रवर्ती। इनका यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है, जरूर इनको पहचानेंगे। अगर नहीं पहचानते तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ये है अमित चक्रवर्ती, इन्होंने बहुत धमाकेदार गाने सुनाए हमको, तो हमने भी इनके साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन गाना मैं बंद करके आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन मेरा जो डांस परफॉर्मेंस है इनके साथ, मैं वो शॉर्ट वीडियो के जरिए आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। दिवाली में बहुत एंजॉय किया दोस्तों, तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर सब मिल के ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने, मतलब ताल से ताल मिला रहे, गाना गा रहे, लेकिन आवाज़ बंद करना पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।